Hello. क्या आप तैयार हैं तैयार किसके लिए वही तो बताने को कॉल किया है शुरू है कबड्डी लकड़ जानिए इस संडे शाम साढ़े सात तल का चो तो स्टेडियम दिल्ली में सॉरी आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू अटेंड थैंक्स

और ये ये बड़े बड़े लोग ही नहीं बन गए हैं अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर कमलेश चुकेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया अंबानी रतन टाटा बिलगेट्स कमलेश सुखेजा ही नहीं बन गए मेहनतें करिए इन्होंने वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूद्टे। खेल कूदने में बेटे मैं मना नहीं कर रहा खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो सचिन तेंदुलकर रोनाल्डो हैं कमलेश सुखेजा इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं शुरू से मेहनतें आप सोचो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी कमलेश सुखेजा आप किसी को उठा के देख लो पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में आ, ये तो, आ, अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है महात्मा गांधी पता है उसके साथ कमलेश सुखेजा कमलेश सुखेजा बेटा हिस्ट्री पढ़ी है हाँ सर बढ़िया हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा समझा पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है आओ थोड़ा हाँ तो उसी में नहीं है कमलेश सुकेजा किसी पार्टी में नहीं है समझा वहां भी नहीं है, है। कमलेश सुकेजा पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को हाँ, सर इसीलिए तो उसी में लगा कमलेश सुकेजा कैसे पता चलेगा नहीं है कमलेश सुकेजा वहा भी नहीं है रेडियो सुनता है हाँ सर रेडियो सुनता हाँ तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुकेजा क्यूँकी रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है और वो खुद परेशान है हम तो खुद परेशान है कमलेश सुकेजा एक कमलेश चुकेजा वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कमलेश कौन है और कॉल करता हूँ उनके साथ बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश है हम पता, करें। <laughs> पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश चुकेजा कौन है सुधीर थैंक यू सो मच बेटे कौन बोल रहे अतुल के घर पार्टी में आए थे ना मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ सो so, चुनेटली oh. आप यहाँ से निकले हैं डिनर करके और मैं अब्दुल के घर आया हूँ वो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू नो वॉल आप जब निकले हैं फैमिली को लेके आई थिंक आप आए थे वाइफ आई थी आपकी बेटी थी और आपकी मोम भी थी रात बैठ के बातें आप भी की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके आप पांच रोटियां आपने खाई थी डिनर में मैं और भतीजा मेरा अतुल उसकी वाइफ बड़ा अच्छा लगा पांच रोटी खाई आपने या, <laughs> ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना हम यही बात कर रहे थे आपने प्याज भी दो बार मांगी थी तो मेरे को इतनी खुशी हुई वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल आपकी वाइफ यकीन करना हम बात कर रहे थे ऐसी बैठे हुए रात में छह रोटी खा गई वो बातें बातें सारी हो रही थी हम अंदाजा लगा रहे थे आपकी बेटी डेढ़ रोटी उसने खाई और दो बार आइसक्रीम ली वो होना चाहिए के भी उनके हाथ नहीं रुक रहे थे लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता ये मोम आपकी बहुत अच्छी अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मोम के मोम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने इसीलिए छह रोटी पेल गई अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे अच्छा अतुल ने यह सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना मगर मोहब्बत की बात है सारा ही खा गए कौन बोल बोल रहे आप मैं मैं चाचा बोल रहा हूं आपने मुझे कॉल किस लिए किया बेटे मोहब्बत ऐसे कायम रखो मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े वो क्यों कुछ था नहीं रहा बर्तन में कढ़ाई बढ़ाई सब खत्म तो हम, हमने टोटल लगाई ढाई प्लेट आप क्या <laughs> <laughs> Hello? Could I speak to बोल रहा रहा मैं सोच रहा हूं कि किस आपको थैंक यू बोलू मैं समझा नहीं कौन बात कर रहे हैं? नहीं? नहीं मैं देखिए मेरे पास तो आई इवन वर्ड्स यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं एंड यू नो बेस्ट पार्ट ना जान ना पहचान लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया नहीं तो इंसान के इंसान तो देखिए मदद कर सकते हैं यू नो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बैंक तो था। था, में ही करके चल दिया था आप उनसे मिल नहीं पाए थे मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं उनसे बात हो पाई बात मैं मैं आपकी बात करा देता हूँ एक सेकंड आपकी होल्ड करिए प्रॉब्लम ये है ना टाइमिंग होती है ना मिलने के आईसीयू में है बिल्कुल रोकिए समर्थ आप लाइन पे रहना जी, जी। जिमी दो मिनट हेलो बोलो उनको हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है फोन पे उठ गया उठ गया जिमी हेलो बोलो हेलो बोलो या हेलो जिम्मी हेलोज लिस्टिंग यू हेलो हेलो यस ये, ये कुत्ते को चला रहे मेरा खून। से बात कर यार आईसीयू है हेलो यस चिल्ला क्यों रहा आईसीओ में आईसीओ yeah, में, मतलब में? चिल्ला क्यों रहा है जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे क्यों क्यों आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्रैश कोचिंग सेंटर Uh, can I have your minutes, sir? मैं आपको ये बताना चाह रहा था आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने खुल के बात करता हूँ क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो तो कुछ नहीं। बस एक लड़की है आप कर भी नहीं पाओगे और ये आप ही नहीं हो पता नहीं कितने इस दिल्ली शहर में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है इनसे बात भी नहीं हो पाती थी आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा हमारे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन क्या क्या होगा होगा या फिर क्या हो आ, हमारी के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल है वो भी हम जब लेते हैं जब आप की पूरी सेटिंग हो जाती है अच्छा तो अभी हमको कुछ नहीं करना नहीं सर, आपको आपको कुछ नहीं करना है ये सब हम करेंगे आपको पूरी कोचिंग देंगे ओके सर ठीक है अभी हम कैसे करेंगे मैं आपको सर इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ डेमो कैसा मतलब सर मैं जान सकता जिस जो आपका क्रैश क्रेश नाम क्या है आंचल आंचल सर क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर मान लीजिए मेरे ऑफिस में आप आचल है आप सोचिए आंचल है आप आंचल से बात नहीं करें ना कभी आपने नहीं सर हिम्मत ही नहीं हुई होगी ना इससे पहले नहीं हुई थी मैं आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है आप इनको प्रपोज करना है जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप हेलो हाय हाय आप आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ तुम बताओ मैं भी अच्छा हूँ तो मैं ये, ये कह रहा अभी पॉइंट पे बताइए अभी पॉइंट पे बताइएगा उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो आपने कहा मैं अच्छा हूँ अभी तक सब अच्छा अच्छा, अच्छा हो रहा है डर क्या होता है की कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए की कुछ भी अच्छा ना हो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए अच्छा अच्छा तो so, क्या करती हो आप ये पूछे तो तो आप क्या करती हो मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ आप कॉलेज पे आ जाओ पॉइंट पे आ जाओ दोबारा मत पूछो कभी दोबारा मत पूछना इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे

आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना आपने करा ही नहीं है अब तक तो कॉफी के लिए ऑफर हेलो आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे आप खाइएगा मत वो कह रही है अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया कॉफी पे अड़े रहो आप जूते पे थे ना ध्यान हटा दो अभी आप बिल्कुल जूते पे थे उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भूल जाओ लेकिन हमें क्या करना है हमें कॉफी देखिए इस पॉइंट पे आके ना इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है ये हिम्मत तोड़ रही है लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है आप लगे रहो आप ये बोलो की मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी शादी का प्लान कर लिया मैंने आपसे बोल के देखो बोल के देखो क्या निकल के आता है आप, आप मेरी बात सुनिए मैं आपको मैं मैं ये कहना चाहता कि आज सिर्फ आज सुनिए मैं आपकी आप शादी करूंगा हमने बहुत आगे तक के प्लानिंग कर ली है मैं बहुत खुश रखूंगा आपको अच्छा अच्छा मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो देखिए उसने क्या बोला भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा ये कहा है ना आपको दांत तोड़वाने नहीं है आप आप पहली पैर पकड़ लेना भाई ले जैसी भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा दांत दिख ही नहीं रहे उसे आप बात कंटिन्यू रखो मैं देखता हूं आपकी तरफ से क्या निकल के आता है बोलो कुछ मैम काम कीजिए ना आप, आप एक एक बार नंबर दे दीजिए यार सेकंड की ये बिल्कुल पागलपन की बात करी आप इसको फोन कर रहे हो इसी का नंबर मांग रहे हो वो समझेगी इतना बड़ा डम है मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरे नंबर क्या है अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है अब जो मेरी कलीग है ना ये आपसे कुछ पूछेंगे मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है आप कुछ पूछे अच्छा तुम्हारा नंबर मुझे दोगे जी यही यही तो तो आप पागलपन कर रहे हो यार यही तो आप इतने भावुक क्यों हो उसने नंबर मांगा था तो तुमने क्या क्या मांगा था क्या क्या मिल गया तुम्हें यार सोच समझ के बात करो ना आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इम्पोर्टेंट हो नहीं हो सकता ना दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं ये कुछ पूछेगी रैंडमली आप पूछे कुछ रैंडमली अच्छा सुनो डेट पे चलोगे मेरे साथ हाँ हाँ बताओ कर। ओ मेरे ठाली और वेले आदमी तेरे बस कितना टाइम है यार तू तो, क्यों क्यों पहली बार में मान गया इसने बोला आ, तो <laughs> 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 अभी तो काट दिया यार इसने मैं इसको जरा बताता हूँ फोन करके कि किसका मुर्गा बन रहा था पता तो चल जाएगा और आप लोग ऐसे लोगों को टैग करिए जिनको इस कोर्स की जरूरत है <laughs>

मैं जिंदगी में कभी तो तो नहीं मैं, मैं सारी बात सुनूंगा प्रिया मैं सारी बात सुनूंगा प्रिया यू नो हाउ मच आई लव यू मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे अरे? मैं, मैं मेरी बात सुनो मैंने सारे दोस्तों से ये कहा है कि मैं तुमसे भी नहीं मिलना चाहता मेरे सारे सारे दोस्त ये कहते हैं कि तू ना पागल हो गया है मोहब्बत में प्रिया लिसन टू मी मैं कभी फोन नहीं करूंगा प्रॉमिस प्रॉमिस टू मी मैं 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 तुम्हें पूरी जिंदगी सुनूंगा ये बहुत मुश्किल से तुमने फोन तु, उठाया तु एक बार प्रिया एक बार लिसन टू मी अरे प्रिया भाई तुम भाई मेरी मोहब्बत हो प्रिया लिसन टू मी मैं कभी जिंदगी में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा बट एक चांस देके देखो आई लव यू सो मच मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ प्रिया और तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा प्रिया तुम्हें एक बार चांस है तो सिर्फ एक बार मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में प्रिया तुमने बिल्कुल सही पहचाना मैं मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में और मैं रहना चाहता हूँ पागल क्योंकि जिंदगी हो तुम मेरी जिंदगी हो और इस जिंदगी को मैं खूबसूरत बना ओ हेलो बट नॉट अकेला प्रिया प्रिया प्लीज डोंट से प्लीज डोंट से नो प्लीज डोंट से नो नहीं 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 मैं 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 बात सुनूंगा मैं बात सुनूंगा लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम नो नहीं बोलोगी प्लीज प्रिया मैं मैं, मैं 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 मर सकता हूँ मैं मर जाऊंगा अगर तुमने नो बोला मैं टूट जाऊंगा मैं मैं, मैं, तो मैं मैं टूट जाऊंगा मैं टूट जाऊंगा प्रिया प्लीज प्लीज प्रिया इस टाइम नो तो, मत बोलना मैंने मैं सुन रहा हूँ पिछले पांच साल से तुम्हें तुम्हें सुनता प्रिया मालूम मैं तुम्हारी आवाजें सुनता था मैं दूर खड़े रह के तुम्हारी आवाजें सुनता था जब तुम मार्केट जाती थी मैं तुम्हें आवाजें सुनता था मैं तुम्हें महसूस करता था प्रिया मैं तुम्हें महसूस करता था मैं मैं दूसरे लोगों के साथ देखता था प्रिया तुम्हें मुझे जलन होती थी कि यार ये मेरी मोहब्बत है प्रिया मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ तो दिख भी नहीं रहा मुझे अरे भाई दिमाग खराब बन मैं बनकर यारिया क्या लगा रखा है तुमसे बहुत ने? प्यार करता हूँ मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे बिना रह सकता तुम्हें मालूम जानवी मेरे दोस्त कहते हैं तू जानवी के चक्कर में पड़ गया मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने सारे दोस्त छोड़ दिए जान भी मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी लगा सकता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तुम्हारे साथ होगा जान भी मालूम जानवी पूरी पूरी रात जागता जा, था तुम्हारे लिए मैं तुम्हें महसूस करना चाहता था जानवी जब तुम मॉल में जाती थी फोन मत काटता जानवी जब तुम दूसरों के साथ देखते हो तो मुझे लगता था कि जानवी मेरी मोहब्बत है क्यों ऐसे कर रही है कि दूसरों के पास है अब तो मोहब्बत हो गई होगी जानवी भी ये जानने के बाद कि मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं मैं नवेद हूँ लेकिन बॉयफ्रेंड हो सकता हूँ क्योंकि क्योंकि मेरे चीप में प्यार बांटते हैं और प्यार बांटते रहेंगे आई लव यू सो मच जानवी प्लीज़ फोन मत काटना <laughs> <laughs> मैं इसका पापा बोल रहा हूं आप मुझे ऐसे पर्सनली नहीं, नहीं जानती हैं। हाँ। जो बाल सफेद हो रखे इसका क्या करता हेलो थैंक यू बोलो चलो इनको बेटा अब प्लीज माइंड मत करना मैं इसका पापा बोल रहा हूं मेरे साथ है ये फोन पे थैंक यू बोलो इनको अभी बोल रहा अभी बोलो फॉरन

प्यार होने लगा था अट्रैक्शन और हुँ, आपको तो मालूम ही है कि एक लड़का और लड़की हमेशा जैसे ही अट्रैक्टिव तो पापा मैं नहीं नहीं शर्म आने की जरूरत नहीं है और और थैंक थैंक यू यू बोलो बताओ क्यों बोल रहे हो मैं मैं भी मैं भी बताऊंगा बताऊंगा आप सुनना बेटा आप सुनना तो रात हमने बात करी हमारी दोनों की बात हुई काफी देर बैठे कितने देर बैठे हम दो दो तीन घंटे दो तीन घंटे फिर वो जो कंक्लूजन निकल के आया ना वो ये है कि थैंक यू बोलो चलो इनको तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बेटा मेरे को बता अगर तू इस पे मर मिटता तू क्या करता सबसे पहले मैं मिलने जाता मिलने कैसे जाता मैं, मैं गाड़ी से गाड़ी की गाड़ी, गाड़ी में क्या डालता जो गाड़ी चलती वो पेट्रोल पेट्रोल डालता ना पेट्रोल के रेट पता है तेरे को और फिर वापस भी आता मिलके है ना वापस आने जाने का खर्चा हो गया वहाँ पे ऐसे ही मिलके आ जाता नहीं मतलब कुछ खाते पीते खाते पीते कौन खिलाता मैं तू तो ही खिलाता ना जा रहे तू तो ही तू तो ही पसंद कर रहा तू तो ही खिलाता कितना खर्चा आ जाता पापा अगर मैं चाइनीज रेस्टोरेंट लेके जाता और डेट पर होते तो आ, नूडल्स मंचूरियन ग्यारह सौ लगा ले पर हेड हाँ ग्यारह सौ लगा लो ग्यारह सौ लगा लो हाँ ठीक है बाईस सौ हो गए हाँ अगर मैं जाता नॉर्मल फास्ट फूड चेन में तो फिर हजार 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 लगाओ हाँ. हजार लगाओ चलो दो हजार मान लो एवरेज मान लो हाँ. दो हजार ठीक है दो हजार ये हजार रुपये का आपको तीन हजार रुपए तीन हजार रुपए आने जाने में लगा के चल तो तेरा डेढ़ घंटा का डेढ़ घंटा आने का हाँ. ये बर्बाद हो गया था नहीं मेरे को एक बात बता ये तो हो गया तू तू निकलने से पहले इससे मिलने से पहले क्या क्या करता मैं नहाता रेडी होता रेडी कैसे होता रेडी कैसे होता कपड़े पहनता कपड़े शर्ट पहनता ना शर्ट तेरी गंदी पड़ी है क्या करता फिर नहीं खरीद ले नहीं खरीदता ना लगा ले उसके लगा ले

चार वाला पसंद, चार वाला है।, तो पसंद है मतलब अभी तो कितने बारा, बारा ये हो है तेरे होते हो गए तो बिना परफ्यूम दे जाता नहीं है ना नहीं एक बार बताओ ये तो मैंने रात भी हमारी बात नहीं हुई तो मैं आप देख रहा हूँ अब तो और थैंक यू बोलना चाहिए तू ऐसी चला जाते दाढ़ी थोड़ी ट्रिम नहीं करता फर्स्ट डेट है नहीं करता तू दाढ़ी ट्रिम कराने 500 500 का है। करता ना कलर, करवा लेता। कलर करवाता हजार रूपए साढ़े तेरह हजार में अभी तू कुछ भी नहीं हुआ अगर तेरे को लाइन देती तो साढ़े तेरह हजार तो खत्म हो गए थे ओहो मेरे से गलती भी हो गई तूने बताया था घर आने जाना जाता लेकिन तू ये भी भूल गया हमने रात बात ही नहीं करी इसको पिक और ड्रॉप भी तो करता ना तू वो, ही तो, करता? वो करता तो ही करता ना तो लगा ले तेरे से तेरे घर से अगर मान के चल तेरे को लाइन देती और इसका घर हो उसका घर होता मान के चल को, कोई ग्यारह किलोमीटर हाँ। आने जाने का पेट्रोल लगा लो है ना आठ सौ रूपए लगा लो आने जाने का कितना हो गया हिसाब रियलाइज होगा की कितना बड़ा काम कर दिया तू फर्स्ट डेट पे जाते हैं फर्स्ट डेट ऐसे खाली हाथ फूल वूल कुछ नहीं लेके जाता मैं फूल एक फूल लेके जाता हूँ ब्लडी फूल एक फूल ओनली नहीं मैं बुके लेके बुके लेके जाता हूँ कितने कलर लगा लो बुके दो ढाई दो ढाई हजार यार फूल बड़े महंगे आ रहे हैं फूल महंगे पापा फूल महंगे हैं तो तेरे जार 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 दो हजार साढ़े सत्रह हजार बच गए अगर ये तेरे को लाइन देती तो साढ़े सत्रह हजार खत्म थे ना बच गए ना किसकी वजह से बचे इनकी वजह से बचे।, बचे नहीं बचे इनकी वजह से बचे बचे किस थैंक यू बोलना चाहिए इनको बोलो थैंक यू सो मच समझ में आगे बेटा समझ गया पापा बेटा ये बात समझ लिया हाँ जी एक्चुअली आप लोगों के ना आपके बेटे के दस हजार और बच गए हैं पता है कैसे मेरा बर्थडे आ रहा है ना तो उसको आज मुझे गिफ्ट भी तो देना पड़ता आराम से तो नहीं मानने वाली थी बड़ा इसको बर्थडे बनाने दो आप सर बचा बचालो ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू।, यू सो मच थैंक यू, थांक यू।, थांक यू